दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, हाजिर हूँ आज के प्रमुख शैक्षिक समाचारों की इस श्रृंखला के साथ। तो आज के प्रमुख शिक्षा संबंधी समाचार क्या हैं, तो सबसे पहला समाचार है CBSE ने स्कूलों के नोटिफिकेशन जारी किया। विषय चयन की परेशानी दूर करने के लिए बच्चों का होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये CBSE का बहुत बेहतरीन यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके तहत छात्रों को विषय चयन की परेशानी से दूर करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट कराएगा, जिससे विद्यार्थियों की अपनी क्षमता का आकलन कर पाएंगे, बल्कि यह भी समझ में आ जाएगा कि किस विषय में उनकी पकड़ अच्छी है। इस माध्यम से टीचर्स को भी उनकी रुचि का पता लग पाएगा। तो ये जो टेस्ट है, इसका नाम KYEA रखा गया है और यह ऐच्छिक होगा, ठीक है। दूसरी, यहाँ पर कक्षा 6 से 10वीं तक के छात्रों से मांगे मानक योजना में दो आइडिया। तो यहाँ पर इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना के तहत प्रदेश के सृजनशील स्टूडेंट को उनके बेस्ट आइडियाज़ के लिए अवार्ड दिया जाएगा। तो 6 से लेकर 10वीं तक के जो स्टूडेंट हैं, उनसे बेस्ट आइडियाज मांगे गए हैं और उनको सेलेक्ट किया जाएगा। और ये जो बेस्ट आइडियाज मांगे गए हैं, इनमें बच्चों में इनोवेशन और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में एक पहल है। योजना 2009-10 में शुरू हुई थी। अगर आपके बच्चे के पास भी कोई ऐसा इनोवेशन का आइडिया है, आविष्कार का आइडिया है, तो आप इसमें अपना आवेदन भेज सकते हैं। 31 जुलाई तक ये आवेदन भेजना पड़ेगा। बेस्ट 60 यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे और उनको यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। अगली खबर, छात्रों को बढ़ने के लिए केंद्र सरकार दे रही है सहायता और स्कॉलरशिप। तो इसमें जो बात की गई है दोस्तों, विद्यालक्ष्मी लोन योजना, और इसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा विद्यालक्ष्मी स्कीम के तहत पढ़ाई के लिए लोन मिल जाता है। 35 से अधिक बैंक ये चला रहे हैं योजना। और इस विद्यालक्ष्मी योजना की जो बारे में लोन किस तरीके से लिया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से विद्यालक्ष्मी योजना के तहत आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं, ठीक है। अगला, यहाँ पर राजस्थान बोर्ड का 10वीं का परीक्षा परिणाम है, आज आने वाला है 4 बजे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा परिणाम को जारी करेंगे, ठीक है। 10% से अधिक पद जहां खाली, उन जिलों में मिलेगी प्रमोट प्रिंसिपलों को पोस्टिंग। तो शिक्षा विभाग की जो DPC है 2018-19 की, उसमें व्याख्यात से प्रिंसिपल बने 106 अभ्यर्थियों को पोस्टिंग के लिए सोमवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में काउंसलिंग होगी, ठीक है। अगली खबर, क्या महाराणा प्रताप राजस्थान के गौरव नहीं है? तो दोस्तों, ये लगातार राजस्थान का जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें लगातार यहाँ पर चेंजेज होते रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस, वो बदल देती है और उस पर विवाद होते रहते हैं। इसी के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में ये चीज़ कही गई है। अगली खबर है, 60% शिक्षकों की परियोजनाओं का हुआ निस्तारण, चूरू, झुंझुनू और सीकर का आंकड़ा 95 तक पहुंचा। तो ये गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा एक बहुत अच्छा प्रयास, शिक्षा मंत्री के द्वारा, इसमें 60% शिक्षकों की जो समस्याएं थी उनका यहां पर निस्तारण हुआ है। और जो चूरू और झुंझुनू और सीकर में 95% यहाँ पर उनकी समस्याओं का निस्तारण किया गया शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा। और पुरस्कृत शिक्षकों को पसंद की जगह तबादले में छूट देने के लिए शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा पुरस्कृत शिक्षक फोरम संघ। इनका ये कहना है कि जिनको अवार्ड मिला हुआ है, उन शिक्षकों को यहाँ पर सरकार जो तबादला नीति ला रही है, उसमें उनकी मनपसंद जगह पर तबादला किया जाए, इसके लिए मंत्री को पत्र लिखा गया है। राजस्थान शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को भेजे ज्ञापन, शिक्षक तबादला नीति के आधार पर स्थानांतरण और शैक्षणिक गतिविधियों में बदलाव की मांग, ठीक है। अगली यहां पर खबर है, होनहार बेटियों को मिलेंगे 31,000 तक के पुरस्कार, 1 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। जिन परिवारों में एक या दो बेटियाँ हैं और उनके 10वीं 12वीं में अच्छे अंक हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये आवेदन करना पड़ेगा। और इसके लिए कट ऑफ यहाँ पर जारी कर दी है, जो प्रवेश के जो कट ऑफ है व्यावसायिक, इसके लिए 575 है। प्रवेशिका 2018 के लिए कट ऑफ 511 है। इसके तहत 21,000 और जिला स्तर पर ₹5,000 राशि मिलने वाली है। वेबसाइट पर होगा आवेदन, कई दस्तावेज लगाने पड़ेंगे। तो राज एजुकेशन वेबसाइट है, जो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आपको यह आवेदन करना पड़ेगा अगर आपकी पुत्री के भी इतने मार्क्स हैं तो, ठीक है। ये यहाँ पर मार्क्स का कट ऑफ दिया गया है, इस कट ऑफ में अगर आपकी बेटी, एक या दो बेटियाँ जो हैं, उनके लिए अवार्ड मिलने वाला है। अगला कर यहाँ पर, समान कार्य समान वेतन के आदेश के विरुद्ध सरकार की अपील खारिज। तो राजस्थान हाई कोर्ट का सबसे बड़ा निर्णय, जो सरकार की तरफ से याचिका दायर की गई थी, उसको यहाँ पर सरकार की अपील को खारिज किया राजस्थान हाई कोर्ट ने। 4 जनवरी 2019 के एकल पीठ के आदेश पर यह निर्णय दिया गया है।
अगली खबर यहाँ पर 75% अंक लाने पर कॉलेजों में फ्री एजुकेशन। तो जिनके भी 75% यहाँ पर मार्क्स हैं उनको कॉलेजों में फ्री एजुकेशन मिलेगी, देना होगा आय और नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, सरकारी स्कूलों में 24 जून से प्रवेशोत्सव का द्वितीय चरण। तो 24 जून से जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो ये द्वितीय चरण स्टार्ट होगा। इससे पहले पहला चरण मई में हुआ था जो प्रवेशोत्सव का था, ठीक है। अगला यहाँ पर, शिक्षक की भूमिका निभाने के साथ समाज में दे रहे हैं गुरुजी सामाजिक सेवा के लिए अनूठा संदेश। तो ये जो खबर है भोपालगढ़ की है और इसमें जो शिक्षक मेघवाल ने भामाशाह को प्रेरित किया है और बहुत सारे कार्य करवा रहे हैं, इसलिए जो भी मेरे शिक्षक बंधु साथी हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, उनसे मैं यही कहूँगा, अगर आप भी शिक्षक हैं तो जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग है वहाँ के भामाशाह, लोकल भामाशाह, उनको प्रेरित करें आप भी इस नए कार्य के लिए और अपने स्कूल में जो भी ज़रूरतों का जो कार्य हैं उनको करवाने के लिए आप तैयार रहें। अगली खबर यहाँ पर, गवर्नमेंट कॉलेजों में अब नए सेशन से स्कूलों की तर्ज पर होगी पढ़ाई। तो इसमें क्या है कि कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने टाइम टेबल जारी किया, जैसे स्कूल में 8 कालांश 6 कालांश होते हैं इस तरीके से यहाँ पर आयुक्तालय ने बताया है, ठीक है। अगली खबर यहाँ पर है, तबादलों से पहले प्रारंभिक सेटअप के सरप्लस शिक्षकों का होगा समायोजन। तो जो तबादलों से पहले जो सेटअप आ रहा है स्टाफिंग पैटर्न, इसके तहत सरप्लस यानी कि जहाँ पर ज़्यादा शिक्षक हैं किसी स्कूल में तो उनको यहाँ पर हटा करके दूसरे स्कूलों में समायोजित किया जाएगा, ठीक है। अगली यहाँ पर, शिक्षक परिवेदना कैंप में 3 मंडलों के 2358 प्रकरणों का निपटारण यहाँ पर किया गया है, ठीक है। चूरू से ये खबर है जिसमें ये शिक्षक की परिवेदनाएँ हैं, समस्या इनका निस्तारण किया गया है। गत सरकार का फार्मूला वर्तमान सरकार ने भी अपनाया, अब टूटेंगे शिक्षकों के पद। तो ये दोस्तों स्टाफिंग पैटर्न के बारे में ही बताया गया है इसमें, कि जो पिछली सरकार ने किया था वैसा ही यहाँ पर गहलोत सरकार भी कर रही है। तो इससे टूटेंगे शिक्षकों के पद और ये टाइम टेबल भी दिया गया स्टाफिंग पैटर्न का कि कब कब क्या होने वाला है, ठीक है। इससे ये होगा कि दोस्तों इसमें शिक्षकों के पद भी बढ़ने वाले हैं, तो आगामी वैकेंसियाँ में ये पद इंक्लूड किए जाएंगे, तो ये भी बहुत अच्छी खबर है, ठीक है। अगली खबर यहाँ पर, पुरस्कृत शिक्षकों काउंसलिंग में मिलेगी वरीयता, ये गोविंद सिंह डोटासरा का है। तो काउंसलिंग में जो शिक्षक जिनको अवार्ड मिला हुआ, पुरस्कार मिला, उनको ये काउंसलिंग में वरीयता दी जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज के प्रमुख शिक्षा संबंधी समाचार। वीडियो पसंद आए, चैनल अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद जय भारत। डिस्क्रिप्शन में आपको ये PDF फाइल भी मिल जाएगी आज के प्रमुख समाचारों की। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में दीजिए इजाज़त। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।